नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहीं ना कहीं जनहित में ध्यान रखते हुए इस प्रकार का निर्णय लिया है और उसका कहीं ना कहीं दूरगामी एक परिणाम देखने को हम लोगों को मिलेगा भी। आप लोगों को ध्यान होगा कि दवा के अभाव में कई लोगों की मौत हो जाती है और एक कोई छुपी हुई बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है और पूरे देश में इस प्रकार की स्थिति होती है। मौजूदा सरकार ने एक निर्णय लिया था जिसमें 25 ड्रग वेयरहाउस बनाने की बात सरकार ने पहले कही थी। अब योगी सरकार ने उसको अपग्रेड करते हुए 50 ड्रग वेयरहाउस बनाने की घोषणा की है और उस पर काम के लिए आदेशित कर दिया गया है, जगह ढूंढने के लिए बोल दिया गया है। 25 का पहले निर्माण चल रहा था, 50 का और निर्माण होगा। ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जो है ड्रग वेयरहाउस बनाए जाएंगे जिससे कहीं ना कहीं दवाइयों की जो सप्लाई है उसमें कहीं भी बाधा उत्पन्न ना हो और जो इलाज कराने के लोग आते हैं उन्हें समय पर दवाइयां उपलब्ध हो सके ताकि उनका इलाज किया जा सके। किसी भी अभाव के कारण किसी व्यक्ति के साथ कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसको ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने ये एक बड़ा निर्णय लिया है और इस निर्णय की कहीं ना कहीं लोग सराहना भी कर रहे हैं। दूसरी चीज हम आपको बता दें कि जो ये ड्रग वेयरहाउस बनाए जाएंगे वो सीएमओ ऑफिस से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी तक वो बनाए जा सकते हैं और उसके लिए सरकार ने आदेशित कर दिया है, जगह ढूंढने के लिए अधिकारियों के लिए और शीघ्र उस पर काम करने के लिए आदेशित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जनता के हित में, जनहित का कार्य कहेंगे निर्णय जो है वो किया गया है और इससे कहीं ना कहीं लोगों के लिए डायरेक्ट लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। खासतौर से स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो योगी सरकार का अच्छा निर्णय है। दूसरी चीज हम बता दें कि कोविड के बाद बहुत कुछ बदला है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। अधिकांश जो ऑक्सीजन प्लांटों की बात की जा रही थी तो ललितपुर में ऑक्सीजन प्लांट 3 चालू कर दिए गए हैं। अब बात होगी जैसी डिमांड होगी उस प्रकार से काम करेंगे, लेकिन काम किए जा रहे हैं। अस्पतालों को भी अपग्रेड किया जा रहा है, खासतौर से ललितपुर की जो जिला अस्पताल उसको अपग्रेड किया जा रहा है और मेडिकल कॉलेज का भी काम लग चुका है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए कामों को लेकर सरकार की प्राथमिकता देखने को मिल रही है और चुनावी सामने उनको भी आप देखते हुए इन घोषणाओं पर ध्यान दिया जा सकता है, कुछ किया जा रहा है ऐसा देखने में आ रहा है। नमस्कार।